नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत हुई। इस बीच किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया। किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10 दिनों से डटे हुए हैं। ऐसे में किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार कृषि कानून वापस ले और MSP पर भरोसा दे। वही केंद्र सरकार कानून को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही, लेकिन किसानों की कुछ मांगों पर सरकार मेहरबान दिख रही है। लेकिन इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। इसे लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार का किसान MSP APMC के बिना बेहद मुसीबत में है और अब PM ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। दरअसल किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की सरकार के साथ दो दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पहली वार्ता 3 दिसंबर को हुई, दूसरे दौर की वार्ता 5 दिसंबर को हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो ये खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। दिल्ली NCR की हवा दिनों दिन जहरीली होती जा रही है। पराली जलाना बंद होने के बाद भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा। इलाकों का AQI 400 के पार दर्ज किया गया है, जो काफी गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं कुछ अन्य इलाकों का AQI भी 300 के पार है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। चलिए आपको बताते हैं कि किन किन 16 इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। अलीपुर 456, आनंद बिहार 434, अशोक बिहार 449, बवाना 481, DTU 466, इहवास दिलशाद गार्डन 418, जहांगीरपुरी 470, नरेला 470, ट्रूनगर 422, ओखला फेज 2 407, पटपड़गंज 443, RK पुरम 408, रोहड़ी 449, सोनिया बिहार 453, विवेक बिहार 468। प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR कोहरे की चादर में लिपटा दिखा, जिसे लेकर लोगों की आंखों में जलन के साथ गले में खराश की भी दिक्कत हुई। NCR के शहरों की हवा भी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, जिसमें मुख्य रूप से गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा शामिल हैं। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद प्रदूषण बढ़ोतरी के साथ साथ बहुत खराब श्रेणी में रह रहे हैं। किसानों से जुड़ी तमाम हलचलों के बीच योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कमर कस ली है। राज्य सरकार प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू कर रही है। इस अभियान के चलते सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी तय किया है। रोजगार के लिए प्रदेश के इतिहास में ये इकलौता और सबसे बड़ा अभियान है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 5 दिसंबर से मिशन रोजगार अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत प्रदेश में स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत राज्य सरकार की योजना इस साल के अंत तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कह रही है। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग का एक और नया कारनामा सामने आया है। बिलासपुर के घुमावरी की टीम ने 36 साल पहले मृत व्यक्ति के कोरोना सैंपल लेने का मैसेज उसके परिजनों को भेज दिया। मैसेज में व्यक्ति को आइसोलेट होने की भी हिदायत दी और सैंपल जांच के लिए IGMC शिमला भेजने की बात कही। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यप्रणाली से परिवार भौचक्के हैं, जिससे साफ तौर पर कोविड टेस्ट के आंकड़ों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बाड़ी गांव में एक कोरोना का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव बाड़ी में सैंपल लेने के लिए गई और गांव के लोगों के सैंपल लिए। इनमें से एक परिवार से मदन लाल और उनकी पत्नी और बेटे के भी सैंपल लिए गए। सैंपल लेने के बाद मदन लाल के फोन पर स्वास्थ्य विभाग ने संदेश भेजा, जिसमें मदन लाल के पिता प्रभु राम के सैंपल लेने की बात कही गई। मैसेज देखकर परिवार के लोग हैरान भी थे, क्योंकि मदन लाल के पिता प्रभु राम का देहांत हुए 36 साल हो चुके हैं। मदन लाल ने बताया कि उनके बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सैंपल लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उनके मृतक पिता के सैंपल लेने का भी मैसेज उन्हें भेज दिया।
मदन लाल ने स्वास्थ्य विभाग की इस गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली पर दुख जताया है। खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।